हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे होम टैब के अंतर्गत क्लिपबोर्ड का जितने भी फंक्शन है इसके बारे में सीखेंगे। इससे पहले हमने दो तीन वीडियो बनाए हैं जिसमें हमने फॉन्ट ब्लॉक, पैराग्राफ और स्टाइल ब्लॉक के बारे में डिटेल से बताया है। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वो वीडियो पहले आप देख ले ताकि समझने में आपको अच्छा रहे, कहीं दिक्कत ना हो। वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी चलिए हम देखते हैं क्लिपबोर्ड के ऑप्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि कॉपी क्या होता है। कॉपी का मतलब है कोई चीज़ को सेम वही कॉपी कर देना। जैसे कि मान लीजिए ये लाइन है, इस लाइन को अगर हम सेलेक्ट करके अगर मुझे यही लाइन यहाँ चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे। इसको कॉपी करने के लिए सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इस पर जाके क्लिक करके कॉपी करेंगे। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस सी होता है। जैसे क्लिक किए तो ये कॉपी हो गया। अब यहाँ पर जा कर के यहाँ पे कंट्रोल भी कर देंगे या फिर इस पे जाके पेस्ट करेंगे। कंट्रोल भी मतलब पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे फॉर्मेट था वो यहाँ पे कॉपी हो गया। अब कॉपी में भी आप डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पे जो पेस्ट का ऑप्शन है इस एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे तीन टाइप का है। इसका मतलब क्या हो गया कि आप जो फॉर्मेट है आपका टेक्स्ट, वही टेक्स्ट फॉर्मेट आप यहाँ पर कॉपी करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो फॉर्मेटिंग है ना, मर्ज फॉर्मेटिंग होगा। और इस पर क्या है कि ओनली टेक्स्ट, यानी कि जितने भी फॉर्मेटिंग था वो हट गया और बिल्कुल वही टेक्स्ट जो सिंपल होता है नॉर्मल, वही टेक्स्ट यहाँ पे कॉपी होगा। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से आप समझ गए कि कॉपी का तरीका क्या क्या है। उसके बाद हम कट देखते हैं। कट का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ वहाँ से हटा के दूसरे जगह स्थापित कर देना। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए इसको हम सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद जे इस कट पे क्लिक करेंगे, यानी कंट्रोल प्लस एक्स कर देना है, इस पे क्लिक कर देना है। और करने के बाद मुझे इसके नीचे चाहिए, इस टेक्स्ट के नीचे, तो यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल प्लस भी कर सकते हैं या फिर यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए वो चीज़ यहाँ से हट के यहाँ आ गया। तो कॉपी और पेस्ट में, कॉपी और कट में आप समझ गए। कॉपी का मतलब है एक ही चीज़ अलग अलग जगह पर देना, और कट का मतलब हुआ कि एक जगह से हटा के दूसरे जगह उस चीज़ को दे देना। तो आप समझ गए कि कॉपी और पेस्ट क्या होता है और कट क्या होता है। अब नेक्स्ट हम समझते हैं फॉर्मेट प्रिंटर के बारे में। फॉर्मेट प्रिंटर का मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ देखिए, एक यहाँ पे अलग अलग डिजाइन बना है, यानी कि अलग टेक्स्ट है, इसका फॉर्मेटिंग साइज अलग है, इसका पैराग्राफ स्टाइल अलग है, यानी ये चीज़ जो आप लगाए हैं यहाँ पर, जो अलग अलग फॉर्मेट यहाँ पर किए हैं, वो चीज़ आप चाहते हैं कि इसमें करना चाहें तो आप अलग अलग इसके लिए फॉर्मेट अप्लाई करेंगे जिसमें आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है। जब आप डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो सेम इसी चीज़ को अप्लाई करने के लिए इस पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे कोई एक टेक्स्ट या कोई भी चीज़, यहाँ पे एक वर्ड भी सेलेक्ट कर लीजिए, इस फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक कर दीजिए एक बार और फिर यहाँ से आ करके इस पर ऐसे करके अप्लाई कर देना है। आप देखिए, जो भी यहाँ पर फॉर्मेट था यहाँ पर अप्लाई हो गया है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर फॉर्मेट प्रिंटर में आप ये चाहेंगे कि आप एक ही फॉर्मेट को अलग अलग जगह पे आप अप्लाई करना चाहेंगे तो वो कैसे होगा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि ये वाला अगर मुझे चाहिए अलग अलग जगह पे, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, इस पर डबल क्लिक करना है फॉर्मेट प्रिंटर पे। डबल क्लिक करने से होता क्या है कि मान लीजिए थोड़ा मुझे इतना करना है, यहाँ पर कर दिए, उसके बाद फिर इसको इतना अगर फॉर्मेट करना है ये कर दिए, तो इससे क्या होता है कि ये जो फॉर्मेट प्रिंटर है वो दो बार क्लिक करने से बार बार इस पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है और अलग अलग तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि क्लिपबोर्ड का जो ये ऑप्शन था, कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर, इसके बारे में आपका डाउट क्लियर हो गया होगा।